खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज भी इस हादसे के बाद कुछ सवाल खड़े कर रहा है। वो सवाल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि आखिर ये लगातार होते हादसे कब थमेंगे। अब बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन के बाद हाई स्पीड ट्रेनें आखिर कैसे चलेंगी। साल 2014-15 की बात करें तो 131 ट्रेन हादसे हुए जिसमें 118 लोगों की जान चली गई। हम मोदी सरकार के सत्ता में आने के 3 साल बाद तक के आंकड़े आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। जो आंकड़े आपके सामने हैं 2014-2015, आप 2015 से 2016 की बात करें तो 106 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई जिसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद साल 2016 और 2017 का आंकड़ा भी आपके सामने, 103 ट्रेन हादसे, 195 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2016-2017 का भी आपने आंकड़ा देखा, 14-15, 15-16 और 2016-17 का ये आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। और ये 2019 की शुरुआत, चुनावी साल 2019 के तारीख फरवरी में ही, पहली तारीख को तो इंटरिम बजट आया है, 2 दिन बाद आज रेल हादसा हो गया। रेलवे की खस्ता हालत को सुधारने के लिए मोदी सरकार बार बार रेल मंत्री बदल रही है। 4.5 साल की सरकार में अब तक कुल 3 रेल मंत्री को रेलवे की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी दी गई ताकि रेलवे की किस्मत चमक सके, लेकिन लगता नहीं है इससे कोई फायदा हुआ। तो देखिए, मई 2014 से नवंबर 2014 तक डीवी सदानंद गौड़ा रेल मंत्री रहे, उसके बाद फिर रेल मंत्री बदल गए। नवंबर 2014 से सितंबर 2017 तक सुरेश प्रभु को रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। और उसके बाद एंट्री होती है पीयूष गोयल की, 3 सितंबर 2017 से पीयूष गोयल रेलवे विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं, भारत के रेल मंत्री हैं और अभी इंटरिम वित्त मंत्रालय का कामकाज भी वो संभाल रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी, उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया 1 फरवरी को। आज 3 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद ट्रेन हादसा हो गया जो कई सारे सवाल खड़े करता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।